दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर कल रात को मैं यहीं पर रुका था। ये गुरुद्वारा है। दोस्तों मैं तो यहाँ से निकल रहा था और अचानक मुझे किसी ने कहा कि हेलो सुखदर्नी। तो अचानक इन्होंने आके कहा, कैसे पहचाना फिर आपने? मैंने आपकी कार देख के पहचान लिया था। अच्छा, तो वीडियो रेगुलर देखते हो आप? हाँ रेगुलर देखते हैं। कहाँ से हो? ये बांसवाड़ा से हो। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा मुझे, खुशी हुई ये जान करके। लेट हो रहा है पर मैं जाके आ। चलो बाय बाय। दोस्तों इस तरह से सब्सक्राइबर जो अभी मिले अच्छा लगा हमें। अभी बांसवाड़ा के अंदर देखने के लिए वैसे तो बहुत सारी जगह बता रहे हैं, लेकिन उनमें से कई सारी जगह हमने देख ली है। जैसे बांसवाड़ा के अंदर की बात करें तो त्रिपुरा सुंदरी और पास में जो आपने देखा अर्थुना रामकुंड, ये सब बांसवाड़े की पॉपुलर जगह है देखने वाली। अब माही डैम और है वो हम लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले मदारेश्वर महादेव और यहाँ पर ये शिरडी साईं बाबा मंदिर है वो देख लेते हैं। और एक और बात आपको बतानी है, कल शाम को जो मैं मूवी देख के आया था उसके बारे में तो बताया नहीं। चलो पहले मंदिर देख लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगा कैसी लगी। दोस्तों ये साईं बाबा का मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है और पास में यहाँ पर ये सामने जो देख रहे हैं कागदी पिकअप लेक है ये, और इसके पास पास में खूबसूरत गार्डन भी है। साईं बाबा मंदिर के यहाँ बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगे हुए हैं, शायद यहाँ पर आसपास के लोग आते होंगे। सिया अगर होती तो अभी दौड़ के जाती और झूलती, आ जाएगी चार पांच दिन के बाद में जो वीडियो आएंगे उनमें, फिर वैसे ही बीच में एक झूले का सीन तो आएगा इसी का है। चलिए चलते हैं मदारेश्वर महादेव। तो दोस्तों मदारेश्वर महादेव मंदिर, आपका क्या नाम है? गणपतला। पुजारी जी हो यहाँ? तो ये मंदिर पुराना है या नया? एक बात, ये 250-300 साल पुराना है। अच्छा, एक मिनट बताऊं दोस्तों को कि यहाँ पर जो आप हमारे पीछे की साइड में देख रहे हैं ये शिव जी का मंदिर है। हाँ। और इस साइड में जो आप देख रहे हैं ये क्या चीज है? दरगाह। दरगाह है। दरगाह है। और बीच में साईं बाबा बैठे हैं। हाँ। अच्छा, तो ये दोनों पास पास में कैसे? ये पास पास में क्या कि ये 200-250 साल पहले इधर मंदिर में संत बैठते थे और ये दरगाह की साइड में फकीर बैठते थे। अच्छा। वो उनकी तब अल्लाह का नाम लेते, ये भगवान का नाम लेते। अच्छा, पास पास में बैठते। दोनों का सामंजस्य ऐसा था कि कोई एक बाहर चला जाए तो दोनों तरफ की संभाल से, न कोई दूसरा बाहर चला तो पहले वाला संभाल ले। अच्छा। वो भाईचारा बराबर एक तरफ से चल ही रहा था, दोनों काम, दोनों अल्लाह ईश्वर दोनों एक ही संप्रदाय से, इसी हिसाब से मतलब दोनों दोस्ती की तरह दोस्त की तरह। अच्छा, तो फिर मदारेश्वर महादेव मंदिर नाम कैसे पड़ा? भाई उसमें एक मदार शाह बाबा फकीर बैठते थे, वो तो यहीं साइड में जो बैठते थे वो मदार शाह था ना उनका, मदार शाह नाम था हाँ उनका नाम था। इधर भगवान का मंदिर था तो मदारेश्वर नाम, इस पर्वत का भी वैसे पर्वत को भी मदारी बोलते हैं तो मदारेश्वर नाम रखा। तो ये महादेव और ये मदार की जो दरगाह है। अच्छा अच्छा। चलिए एक बार फिर नींबू पानी बना लेते हैं, हमारे पास में काफी सारा सामान है और सिया के आने के बाद में आपको बताऊंगा क्या क्या हम बनाते हैं। बहुत जबरदस्त बना है। अब मैं आपको बता दूं, अभी वीडियो एडिट कर रहा था, दोपहर के अंदर ज्यादा धूप पड़ती है तो बैठ के वीडियो एडिट कर लेता हूँ या थोड़ा
कल जो मूवी देखी थी पीएम नरेंद्र मोदी, वाकई में वो मूवी हमें देखनी चाहिए। उसके अंदर लगभग जो आधा पार्ट है स्टार्टिंग का, मतलब दो आपके अंदर है, तो आधा पार्ट के अंदर मूवी के अंदर नरेंद्र मोदी का जो मुख्यमंत्री बनने तक का सफर है और जो गोजरा दंगे होते हैं लगभग वहां तक का पार्ट दिखाया जाता है, और उसके बाद में बाकी का पार्ट है वहां प्रधानमंत्री बनने तक का सफर दिखाया जाता है। अब क्यों देखनी चाहिए? देखनी इसलिए चाहिए कि मूवी देख करके हमें देश के प्रति कुछ करने की प्रेरणा जागती है मूवी को देखने से, कि सिर्फ एक ही मन के अंदर भूख, एक ही इच्छा, अपने या अपने परिवार या किसी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ लोगों की सेवा करना ही उद्देश्य मात्र कैसे हो सकता है, वो मूवी के अंदर आप देखेंगे। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत गजब की धूप है, ये तो आपको पता ही यकीन है ही, लेकिन ये जो है पानी का भरा हुआ है और ये पानी इधर कहीं जा रहा होगा सप्लाई, लेकिन इतनी धूप में भी ये बहुत ठंडा है, एकदम गजब का ठंडा है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और राजस्थान के यहाँ बांसवाड़ा के समीप माही बजाज डैम बना हुआ है, यहाँ से आगे होते हुए गुजरात जाती है और अरब सागर के अंदर ये नदी मिल जाती है। तो दोस्तों कहीं पर तो खूब सारा पानी है जैसे कि यहाँ पर, और कहीं पर लोग प्यासे मर रहे हैं, आपने देखा था पानी पूर्ति नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों इतना बड़ा यहाँ से ये पाइप जा रहा है, पानी की सप्लाई हो रही है। दोस्तों उसके बाद में वापस मैं बांसवाड़ा आ गया, ये हनुमान जी का मंदिर, पास में पानी का ये तालाब है, पानी इसमें अभी काफी कम है, और एक रात फिर मैं वापस गुरुद्वारा के अंदर ही रुका यहीं पर। और ये दोस्तों घंटाघर बांसवाड़ा के अंदर, और यहीं पर है बांसवाड़ा का वो किला, जहाँ प्राचीन किला जहाँ पहले राजा रहते थे, अभी भी रहते हैं, निवास स्थान है ये, बहुत ही बड़ा है, और इसके आगे के भाग में अभी कॉलेज और स्कूल भी चल रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जैसे आम आदमी टिकट लेकर के प्रवेश करके कोई देखना चाहे तो वैसी कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है, जैसे हमने डूंगरपुर के अंदर भी देखे थे।